तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के कमेंटों पे बेस्ड है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे DRDO MTS की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे DRDO MTS से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें दोस्तों। साथ ही इसमें हम क्लियर करेंगे दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या क्लियर होने वाला है। इसमें ITI मांगी गई है या फिर 10वीं मांगी गई है, ये बात क्लियर करेंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये भी बताऊंगा दोस्तों। Tier 1 और Tier 2 का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या रहेगा सिलेबस, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये बात भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे सैलरी और सुविधाओं को लेकर, DRDO MTS कैंडिडेटों को कितनी सैलरी और कितनी सुविधाएं मिलती हैं, इस पर संपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। और दोस्तों यदि आप इसके रेगुलर यदि आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताएं। आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें यदि आप इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पर बेस्ड रेगुलर सीरीज लेकर आऊँगा दोस्तों, बहुत जल्द आपको Tier 1 के सिलेबस पर बेस्ड वीडियो लेकर आऊँगा, Tier 2 के सिलेबस पर बेस्ड वीडियो लेकर जरूर आऊँगा दोस्तों। इसके लिए सिर्फ आपको दो काम करने होंगे। पहला तो आप हमारे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों में, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले रेगुलर वीडियो DRDO MTS से संबंधित Tier 1 Tier 2 के विद सिलेबस के अनुसार रेगुलर आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों ये मैं वीडियो इसलिए लेकर आऊँगा क्योंकि मेरे पास DRDO MTS के ओल्ड एग्ज़ाम पेपर भी हैं दोस्तों। DRDO MTS DRDO के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, तो वो दोस्तों उन्हीं पर बेस्ड, उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसा DRDO में सिलेबस आता है उन्हीं पर बेस्ड वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो भी जानकारी मैं बताऊंगा विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है दोस्तों। चलिए तो आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने DRDO MTS का दिया आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो दोस्तों आपको इसके लिए सिंपली हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना होगा और इस पर पहली पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर DRDO MTS रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा 2019। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, 23 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारी साइट से क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप इसका आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं हमारी साइट से। तो फिलहाल अपन करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड, तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा DRDO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, DRDO में MTS पर बम्पर भर्ती निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर पदों की संख्या आप देख सकते हैं, 1817 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। 23 दिसंबर से फॉर्म फल स्टार्ट हो जाएंगे, 23 जनवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे दोस्तों। तो Tier 1 का एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस हो जाएगा और हमारे चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पोस्ट की बात कर लें तो ये सभी आप पोस्ट हैं आपको पता होंगी। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर जनरल को 18 से 25 वर्ष मांगी गई थी एज लिमिट, जनरल के लिए SC ST और OBC के लिए गवर्नमेंट रूल के अनुसार आरक्षण मिल जाएगा दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों 10th पास होनी चाहिए। यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ इसके बाद लिखा है और का मतलब होता है दोस्तों या मैं मतलब दोस्तों यदि आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ITI देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यदि 10वीं पास कर रखे हैं, 12वीं पास कर रखे हैं या फिर आपने ITI कर रखी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आप मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इसका आवेदन जरूर करिए, क्योंकि बहुत अधिक पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली है, 1817 पद हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की, सैलरी की दोस्तों। तो सैलरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे जो आपका रखा गया 18,000 रखा गया। जी हाँ दोस्तों, 18,000 बेसिक पे रहेगा। इसके बाद आपको और अलाउंस वगैरह TA DA अलाउंस जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं इंक्रीमेंट वगैरह वो आपको रेगुलर मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिक पे के बाद यदि आप सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पर 21 से 22,000 रुपये सैलरी आपकी आराम से बन जाएगी।
तो दोस्तों ये सैलरी है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सुख सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों वही सुख सुविधाएं आपको बिल्कुल भी बिल्कुल मिलेंगी दोस्तों। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक नंबर की जॉब है दोस्तों, फर्स्ट क्लास जॉब है और एमटीएस वालों के लिए भी वही सब सुविधाएं मिलेंगी। एज लिमिट मैं बात कर चुका हूँ, 18 से 25 वर्ष की आयु, और एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को लेकर, इससे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस में आप जैसे ही पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे डी नंबर के कॉलम को आप पढ़िए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग विथ फॉर रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं है, आपको 100 क्वेश्चन आने हैं तो आपको 100 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों टायर वन की सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस टायर वन और टायर टू के सिलेबस को लेकर। पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो टायर वन होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टायर वन स्क्रीनिंग, तो दोस्तों टायर वन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में भी आप देख सकते हैं जो सीबीटी फर्स्ट होगा स्क्रीनिंग दोस्तों यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्वालिफाई के बाद आपको 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाने हैं, ये भी इन्होंने मैंसन कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाना है टायर वन एग्ज़ाम के लिए। मेरिट जो बननी है 1/10 की रेशियो में बननी है, एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर पोस्टों की बात कर लें तो 1718 पोस्ट है, लगभग यहाँ पर दोस्तों 18,000 कैंडिडेटों को का यहाँ पर सिलेक्शन होगा टायर वन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर टायर टू के लिए 18,000 कैंडिडेटों का सिलेक्शन अप्रॉक्स होने वाला है दोस्तों। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लें तो मिनिमम यहाँ पर टायर वन में आपको 40% चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेटों के लिए, 35% चाहिए एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको टायर टू देने मिलेगा और टायर टू पर बेस्ड ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है दोस्तों टायर टू पर बेस्ड होने वाला है, मतलब टायर टू की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। टायर टू में जितने अधिक नंबर आएंगे उस पर आपकी मेरिट बनेगी। टायर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा टायर टू के लिए दोस्तों, यदि आप टायर फर्स्ट क्वालीफाई करते हैं तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। और टायर फर्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, मतलब दोस्तों रीजनिंग की यहाँ पे 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जीके की बात कर लें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके से संबंधित। और दोस्तों आप इसके सिलेबस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रेगुलर सीरीज मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों क्वांटिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लें, यहाँ पे 35 नंबर की आने वाली है मैथ, तो मैथ पे अच्छे से फोकस कीजिए। मैथ की बहुत आसान सरल ट्रिक हैं मेरे पास, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैथ की, रीजनिंग की और दोस्तों जीके के आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, स्पेशली जो बेस्ड होंगे डीआरडीओ एमटीएस के सिलेबस को लेकर और डीआरडीओ एमटीएस के सिलेबस पर। तो आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इसके रेगुलर पार्ट चाहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लें तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरल साइंस, जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश सिर्फ तीन सब्जेक्ट आने हैं दोस्तों, और तीन सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यदि आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों सीबीटी टू के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साइंस के, मैथ्स के और इंग्लिश के दोस्तों बहुत आसान, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत मतलब सिलेबस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लें टायर टू के लिए तो 40 नंबर की साइंस आनी है, 40 नंबर की मैथ आनी है और 20 नंबर की इंग्लिश आनी है। मोस्टली दोस्तों टायर टू के लिए आपको फोकस करना होगा दोस्तों साइंस पे और मैथ पे, तो आप इस पर फोकस कीजिए। एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो टायर फर्स्ट की अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इन्होंने दे रखा है, इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते रहें दोस्तों, इस पे जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है दोस्तों इस पे ही जो अपडेट आएगी। और दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड 2 हफ्ते पहले आ जाएंगे, इन्होंने दे रखा है कि एडमिट कार्ड 2 हफ्ते पहले आ जाएंगे आपकी एग्ज़ाम डेट से 2 हफ्ते पहले। तो दोस्तों आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। मेरे हिसाब से जो इसके एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों फरवरी में होगा, तो दोस्तों अभी आपके पास 1 से 2 महीने, आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म फिल ज़रूर कीजिए, 23 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट होना है। और दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जब भी डीआरडीओ में 1 से अधिक डेटों में एग्ज़ाम होते हैं, 1 से अधिक सेप्टों में एग्ज़ाम होते हैं, तो डीआरडीओ में नॉर्मलाइजेशन होता है और उन्होंने दे भी रखा है। यहाँ पे आप दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड एज
पर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यदि आपके सेप्टेम्बर पेपर कठिन आता है तो आप निराश मत हो दोस्तों, आप इंतज़ार करें रिजल्ट का, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए यदि आप इस पर बेस्ड रेगुलर वीडियो चाहते हैं, और यदि हमसे कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी हम आपका रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ITI से जुड़ी हर छोटी बड़ी वैकेंसी की जानकारी के लिए, और DRDO MTS की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।